नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है लाइफ ऑफ लोकेशन। तो आज हम आए हुए हैं थाने स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे थाने टूर करने वाले, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हम देख सकते हैं, और कपड़े हुए, या फिर फूल मार्केट हुआ, फ्लावर मार्केट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए वीडियो में, आगे आपको पता चली जाएगा कि क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक है और कितनी सस्ती मिलती है यहाँ पे चीज़ें और क्वालिटी कैसी मिलती है। तो सब हम आपको आगे शॉर्ट में वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, जैसे आप थाने स्टेशन से बाहर आते हो, थाने वेस्ट से, तो यहाँ पे आपको ब्रिज के नीचे से ही वॉक करते करते आगे जाना है थाने मार्केट की तरफ। ये ऊपर से स्काईवॉक से भी आप जा सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा थाना मार्केट। आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ खाने मिल रहा है। पूरा खाऊ गली है, यहाँ पे आपको पूरा खाने मिल जाएगा। जो भी थाने से बसेस आती है थाने स्टेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी। अभी यहाँ से आपको वॉकिंग करके स्टेशन की तरफ जाना है, अगर आप कहीं से भी आते हो थाने से। यहाँ पे होटल है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, उसके बाजू में बर्गर भी है, और मिसल भी बहुत फेमस है यहाँ की, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। वॉचेस, यहाँ पे एक्चुअली हम आपको सबसे फेमस जगह दिखाने आए, वो है कुंज विहार। कुंज विहार का वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप अगर यहाँ आते हो तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे पहले काउंटर पे टिकट लेना पड़ेगा खाने के लिए कुछ भी, और फिर अंदर भीड़ देख सकते हो वड़ा पाव लेने के लिए आप। ये काउंटर है पानीपुरी का, ज़रूर यहाँ की पानीपुरी ट्राई करना, बहुत ही बेस्ट होती है। तो दोस्तों, एग्जैक्टली कुंज विहार के अपोजिट साइड में, अगर आप यहाँ पे स्काईवॉक से नीचे उतरते हो, तो उसके यहाँ पे एक एसटी स्टैंड मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे अलीबाग हुआ, या फिर सातारा, सांगली, पुणे, हर जगह का आपको यहाँ पे बसेस अवेलेबल है। तो उसके लिए काउंटर भी है, वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि कौन सी बसेस कब अवेलेबल होंगी, वो सब आपको गाइड कर देंगे। और यहाँ पे एक गन्ने का जूस वाला भी होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी ट्राई करना। और यहाँ से सीधा अगर हम जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे कुंज विहार से, यहाँ से आपको पूरा थाना मार्केट पूरा एंड तक दिखेगा, बहुत ही बड़ा है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और जैसे ही आप थाने स्टेशन से यहाँ तक आओगे, और यहाँ से अगर आपको फ्लावर मार्केट जाना है, तो ये जो आपको राइट दिख रहा है ना, आपको ये राइट लेना है, यहाँ से आप जा सकते हो फ्लावर मार्केट के लिए। तो हमें यही आगे कंटिन्यू करना है, फ्लावर मार्केट जाना है और सीधा चल के जाना है, बहुत ही नज़दीक है, 2 मिनट ही लगेगा सिर्फ पहुँचने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको मोबाइल कवर लेने होंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, यहाँ पे भी है, देख लेते हैं, पूरे मोबाइल कवर्स मिल जाएंगे आपको, स्क्रैच गार्ड सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, यही से स्टार्ट होता है हमारा फ्लावर मार्केट, चेंदनी कोड़ीवाड़ा। यहाँ पे एक्चुअली आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग में ही आइएगा, फ्रेश फ्लावर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा काफ़ी कम रेट में। जो मार्केट प्राइस होगा हमारे एक एरिया का, उससे तो काफ़ी कम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे किलोज़ में मिल जाते हैं आपको, हर चीज़ किलोज़ के रेट में मिलेगी। जैसे कि गणेश फेस्टिवल आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर आके ले सकते हैं,
फ्लावर्स, बहुत वैरायटीज के। और यहीं से अगर हम सीधा जाएंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे बाइक से आते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर आपको बाइक का पार्किंग करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीधा आना है। फूल मार्केट से होके सीधा रोड जा रहा है अंदर। जैसे ही हम यहाँ से फ्लावर मार्केट से आगे आते हैं, यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी है जहाँ पे आपको काले कचरे के लिए मिल जाएगा शेयरिंग ऑटोस, भिवंडी जाने के लिए इन शॉर्ट। और यहाँ से ही सीधा अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा, दिखेगा चेन्नी कोलीवाड़ा का बस स्टॉप, इसे चेन्नी कोलीवाड़ा बोला जाता है, या तो फिर ऐसे ही बोला जाता है कि सिडको, सिडको स्टैंड कहाँ पे अगर आप पूछेंगे तो कोई भी आपको गाइड कर देगा। और यहाँ से ही आपको एक बाइक पार्किंग आपको मैं दिखा देता हूँ, वो एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही हिडन जगह पे है वो। तो यहाँ पे आप जैसे आगे आते हो ना बाइक लेके, तो यहाँ पे वो राजश्री करके दिया हुआ है, बस डेपो के ही बाजू में है, पीछे है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप ऊपर उसका बोर्ड देख सकते हो कि लकी पार्किंग करके दिया हुआ है ऊपर। तो ये जो भी अंदर गली जा रही है इसमें से बाइक आपको लेके जाना है। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30 रुपीज़, जो कि रात को आप 1 बजे तक कर सकते हो। तो उसका आप देख सकते हैं, ये ऐसे टिकट दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि चप्पल मार्केट है, पूरा पूरा चप्पल मिलेगा आपको यहाँ पे सस्ते में, 300, 500, 150, 200 जो भी रहेगा रेट, आप आके बार्गेन करके ले सकते हो। पूरा मार्केट चप्पल का है यहाँ पे, उसके लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है चप्पल मार्केट के लिए। बहुत ही सस्ते सस्ते मिलते हैं, पर यही है कि आपको बार्गेन करने आना चाहिए, वो स्किल्स आप में हो तो अच्छा ही है, नहीं हो तो डेवलप कीजिए, या तो फिर किसी फ्रेंड को ले आइए जिसे अच्छे से आता हो बार्गेन करना। तो क्या आप इसमें 300-500 में उठा लोगे अच्छे से? अच्छा, अभी आगे हम आपको दिखाते हैं कपड़ों का मार्केट। ये जो मार्केट है ये, यहाँ पे आपको चप्पल और कपड़ा सब कुछ मिलेगा, भाजी भाजी भी मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे, तो ये सब भी आप देख ही सकते हो यहाँ पे। बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ पे और अच्छे मिलेंगे, पूरे भाजी मार्केट है यहाँ पे। पूरा दूर तक है, बहुत ही आगे तक है, तो ये आप जा सकते हो आगे चल के। यहाँ आने के लिए आप लोअर लैंडमार्क मैकडॉनल्ड्स जो है थाने वेस्ट का, उधर से स्ट्रेट आगे आगे आइए, गोखले रोड की तरफ आपको चल के जाना है, जहाँ पे आपको ये रोड मिलेगा, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, वहीं से अंदर एंट्री है यहाँ पे जाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपको जाना है। स्टेशन की साइड में वेस्ट में अगर आप आओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके स्टेशन के आगे बाहर जैसे निकलोगे, लेफ्ट आके फिर से एक बार लेफ्ट लेना, तो यहाँ पे आप मैकडी तक पहुँच जाओगे। तो मैकडी भी आ सकते हो कुछ खाना हो तो, बहुत सारे होटल्स भी है यहाँ पे लाइन से लगे हुए। और ये रहा कपड़ों का और एक मार्केट का, कपड़े देख सकते हो आप, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, कपड़ों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट जो भी है वो सब कुछ है यहाँ पे। लाइन से पूरा मार्केट देख सकते हो, घड़ी का शॉप, मोबाइल कवर, सब कुछ है। अगर दोस्तों आपको जगदीश बुक डेपो अगर आप जा रहे हो और वहाँ पे इन केस अगर आपको नहीं मिलता है बुक कोई भी आपका जो होगा, इन केस उनके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, गुरु कृपा करके लिखा हुआ है बुक डेपो, यहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, तो शायद आपको मिल जाए यहाँ पर। ये एग्जैक्ट जगदीश बुक डेपो के सामने ही है, ये देखिए आप अगर वहाँ देखोगे ना तो वहाँ पे जगदीश बुक डेपो है, वहाँ से आपको क्रॉस करके यहाँ आना है, तो यहाँ पे गुरु कृपा करके बुक डेपो, यहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थाने का सबसे फेमस बुक डेपो है जगदीश बुक डेपो, तो यहाँ पे आप न्यू बुक्स भी ले सकते हैं,
और आपको अगर एक साल बाद यूज़ होने के बाद आप वापस रिटर्न भी कर सकते हो, उसमें कुछ परसेंटेज आपको रिटर्न मिल जाता है बुक का। सिर्फ यही है कि बुक की क्वालिटी अच्छी रखें और वो लोग वापस रिटर्न ले ही लेते कुछ ना कुछ, आप देख सकते हो नज़दीक में। और आगे एक्सप्लोर करते क्या है आप। जैसे आप यहाँ पे गली में घुसते हो, यहाँ पे और एक बुक डिपो है जगदीश का, उसके बैक साइड में है। ये तो पूरा उनका गोडाउन ही लग रहा है, तो ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फ्रेम वगैरह बनाना है तो ये थाने मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ भी आपको फ्रेम लेना है या तो फिर पेंटिंग का कुछ होगा काम, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ही है वैसे भी, फाइबर फ्रेम्स, फोटो मेकिंग, बॉक्स फ्रेम्स, लाइट फ्रेम्स, मंदिर, क्लॉक, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सभी के लिए कपड़े अवेलेबल है, बच्चों से लेके बड़ों के लिए सब टाइप के वेराइटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो चाहिए वो लेटेस्ट फैशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, अब काफ़ी कम रेट में। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे आ रहे हो और आप एकदम मतलब बोलते हो ना रस्ते का माल है और ऐसे ही सिर्फ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले शॉप भी है, रेमंड हो गया, फिर ये सब भी आपको मिलते हैं शॉप्स, जिसमें आप शादी के कपड़े भी ले सकते हो काफ़ी कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में। यहाँ पे हमेशा सेल लगे ही होते कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई मंथ हो इसका फिक्स सेल का, उसी मंथ में जाना, ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइम आपको सेल लगा हुआ मिल ही जाएगा। ये शैलेश चाह, यहाँ पे आपको टी के हर एक वैरायटी मिलेंगे, चाय पत्ती के। हर एक बड़े बड़े शॉप से एज ए लैंडमार्क भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो रास्ता आपको सीधा दिख रहा है ना, यहाँ से आगे अगर आप जाओगे रेमंड का शॉप है एक, उसके आगे से एक लेफ्ट जा रहा है रोड, जहाँ पे आप अगर आपको तलाव पाली जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो तलाव पाली के लिए। अब जैसे यहाँ पे पहुँचोगे ना, ये देखिए अंदर बहुत ही बड़ा मार्केट है, सब लेडीज़ का कपड़ा मिलेगा आपको यहाँ पे सस्ते में, 150, 300, 500 यही रेंज में मिलेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है थाने का, यहाँ पे आपको कुछ भी हर चीज़ मिलती है, मतलब मोबाइल का स्क्रीन हो या तो फिर मोबाइल कवर्स हो या तो फिर आपको कैमरा चाहिए हो, स्पीकर्स चाहिए हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको अगर लो क्वालिटी मतलब एकदम ओरिजिनल स्क्रीन नहीं चाहिए होगा और आपको एकदम बजट भी नहीं होगा आपका, तो और आपको लगवाना ही है कैसे भी करके स्क्रीन मोबाइल का फूट गया है या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा वो कम रेंज में, जो ओरिजिनल होता है उससे तो कम ही रेंज में मिल जाएगा आपको। तो ये पूरा है, तो यहाँ जैसे हम गली से बाहर आते रोड क्रॉस करोगे ना, तो सामने ही एक गली जा रही है। तो ये जो रोड है एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अपोजिट वाला रोड है, तो यहाँ पे आपको आगे जाओगे एंड तक तो आपको पूरा दिवाली का सब कुछ मिल जाएगा। एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये स्टोर है यहाँ पे स्टार्ट, बहुत सी चीज़ें सस्ती सस्ती मिलती है आपको, दिवाली में सेल भी मिलेंगे यहाँ पे, सस्ती और अच्छी क्वालिटी। चलिए अभी आगे एक्सप्लोर करते क्या है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में ही आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम को, और सैटरडे संडे को अगर आपको आना है तो शाम को आने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आपको ये जैसे खाली दिख रहा है आपको अभी, वैसे होता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलेगी और चलने की जगह भी नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट जा रहा है ना, यही तलाव पाली का रास्ता है, जो सिग्नल दिख रहा है इसके पीछे ही राइट साइड में तलाव पाली है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे आगे के ब्लॉग्स के भी, तो बाकी भी ब्लॉग्स हमने डाले हुए हैं वो भी आप चैनल में जाके देख ही सकते हो। और यहाँ पे कुर्ते बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, 200, 150, 500। अगर आप लोग को यहाँ पे कुर्ते चाहिए जो होली में हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल, कि हमें वन टाइम यूज़ चाहिए होता है फिर फेंकना होता है उसे कलर लगने के बाद, तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, 150-200 रुपये के कुर्ते वाइट वाले,
लो क्वालिटी, मतलब एकदम अगर वन टाइम यूज़ करना है आपको या तो एकदम भी लो नहीं है, अच्छा खासा है, दिवाली में भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वेराइटीज़ है इनके पास। यहाँ पे मंदिर शॉप भी अवेलेबल है, मंदिर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फेमस मिसल मिलती है, ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, मामलेदार मिसल है शायद। लाइन देख सकते हैं आप मिसल खाने की। तो अगर आप यहाँ तक आते हो चल के तो A1 फर्नीचर सेंटर के लैंडमार्क तक, तो ऐसे समझिए कि ये आपका हो गया घूम के आधा मार्केट। तो आगे और आधा है जैसे आप देख सकते हो। आगे आगे चलने के बाद एक गली आती है राइट साइड में, अगर आप वो गली में जाते हो तो आपको वहाँ पे पूरा मसाला मार्केट मिल जाएगा। और अगर कप्स हो गया, कुछ भी प्लास्टिक की पेपर कप्स वगैरह जो भी चाहिए होगा ना आपको घर के लिए फंक्शन में, अगर हम जैसे कि यूज़ करते हैं तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक राइट मारेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे बर्तन से लेके आपको चावल गेहूँ ये सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो दोस्तों यही वो राइट है, इसको अगर हम ठीक से बताएं, ये वो लैंडमार्क है। यहीं से आपको इसके एग्जैक्ट अपोजिट में एक गली, वहाँ जाना है। जैसे यहाँ पे सीधा जाते हो, यहाँ पे आपको बर्तन मसाला ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मसाला वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए घर का राशन अगर आपको भरना हो या आइए, सब कुछ मिल जाएगा। झाड़ू, यहाँ पे पेपर कप्स वगैरह सब कुछ मिलता है। एक्चुअली ये जो रेशन मार्केट है ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को पता नहीं चलता यहाँ पे कि ये अंदर मार्केट भी है करके, कोई दिखाता भी नहीं है तो किसी को आइडिया भी नहीं होता है। तो बेटर होगा पूछ ले यहाँ पे किसी को भी, बाहर की तरफ अगर आप जा मेन रोड पे होते हो वहाँ से पूछ ले तो वो लोग आपको बता देंगे कैसे आना है क्या आना है। तो काफ़ी एक टाइप का हिडन जगह है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको पूछना ही पड़ेगा। यहाँ से स्ट्रेट आप वो जो क्लॉक देख रहे हो आगे, वह यहाँ से भी आप तलाव पाली जा सकते हैं। स्ट्रेट अगर जाओगे क्लॉक की साइड पे डायरेक्शन, तो तलाव पाली का एक एंड आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर जाते ही आपको फ्रूट मार्केट मिल जाएगा, भाजी मार्केट मिल जाएगा। पालक 10 रुपए। पूरा आगे तक भाजी मार्केट है। तो दोस्तों यही था हमारा थाने मार्केट का ब्लॉग। तो आपने जैसे कि देखा हमने वीडियो पूरा एक्सप्लोर कर दिया है, आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और भी देखने हो तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हो। और वैसे ही हमें हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे चैनल्स के ऊपर। तो थैंक यू।